चलिए तो शुरू करते हैं सीआर चिन्ह का फर्टिलाइजेशन आउटलाइन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो सीआर चिन्ह के बारे में मे बी आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। ये बिलोंग करता है फाइलम इकाइनोडर्माटा से, इसे आप इकाइनोडर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स इट इज अ टाइप ऑफ इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म, इनवर्टिब्रेट है ये, एंड ओशन में आपको देखने को मिल सकता है। अब इसकी अगर हम गैमेट की बात करते हैं, इसमें आपको मेल गैमेट दैट इज स्पर्म देखने को मिल सकता है एंड फीमेल गैमेट दैट इज एग देखने को मिल सकता है, ठीक है। स्पर्म के हेड में एक वेसिकल पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। सिमिलर बेसिस पे एग के अंदर राउंड शेप में कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो हैं गोल्जी से डिराइव किए रहते हैं। एक्रोसोम में भी एंजाइम स्टोर्ड होते हैं जो प्रोटियोलिसिस करने में मदद करते हैं। सेम गोज विथ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल, इनमें भी एंजाइम स्टोर होते हैं। और ये दोनों ही दैट इज एक्रोसोम एंड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल आर डिराइव्ड फ्रॉम गोल्जी एपरेटस। एक्रोसोम का मेनली काम होता है कब, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का काम कब होता है, दैट इज मेनली जब पॉलीस्पर्मी ब्लॉकेज चल रहा होता है। तो ये है इनके गैमेट की कहानी, बाकी सारी चीजें वही हैं कि स्पर्म में टेल होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एग में वही है, अंदर प्रोन्यूक्लियाई होता है, ठीक है। अब अगर एग की बात करते हैं तो इस तरीके से एग पाया जाता है। ये जो बाहरी वाला लेयर है इसे हम बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर की तरफ जो है प्रो न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है इस तरीके से बहुत सारे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल पाए जाते हैं, ये लगभग 15,000 तक हो सकते हैं। इतने ही नहीं, इसके चारों तरफ जो है एक जेली पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं एग जेली। एक्चुअली सभी का अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें स्पर्म की, तो अगर ये स्पर्म इस तरीके से है तो यहाँ पे इसके हेड सेक्शन में इस तरीके से जो है दैट इज एक्रोसोम प्रेजेंट रहता है। फाइन, ये हो गया पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी की क्या है कैसे है, और ये बेसिक चीजें हैं, ये हमें देखने को मिलता है किसमें, सीआर चिन्ह। ये कुछ बेसिक चीजें हो गई, बाकी सारा तो वही पोर्शन है कि कौन सी चीजें हैं, क्या कैसे काम कर रही हैं, क्या क्या पिक्चर होता है, वो सब एग और स्पर्म में मोर और लेस सेम होता है। हाँ, अब आप वर्टिब्रेट के बारे में अगर बात करेंगे तो आपको ये जानने को मिलेगा कि इसमें जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन होता है, नॉर्मल अगर मैमल्स में देखते हैं तो इस वाइटल मेम्ब्रेन की तरह का क्या होता है, जोना पिलिसिडा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं। जैसे कि अगर मैं एग की बात करती हूँ, ठीक है, तो एग में जो वाइट लाइन मेम्ब्रेन है दैट इज ऑन वाइट लाइन मेम्ब्रेन एक रिसेप्टर पाया जाता है, उसका नाम क्या है, दैट इज EBR1, ठीक है। ये जो है रिसेप्टर है, किसके लिए रिसेप्टर है, इसका एक लिगेंड पाया जाता है, वो लिगेंड स्पर्म पे प्रेजेंट होता है, उसके लिए एज अ रिसेप्टर काम करता है। इन एग जेली, एग जेली में भी जो है
एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं रीसेट, या फिर ये पीरेक्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन स्पीसीज। ठीक है, अब ये रीसेट जो है ये एक तरीके से प्रोटीन की तरह काम करता है, अमाइनो एसिड का बना होता है। तो ये दो मेन फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें, दैट इज योर एग पे। अब ये जो एग जेली में ये जो रीसेट है इसे हम एक और भी नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड। ठीक है, इट इज अ सैप, सैप कैटेगरी में आता है, दैट इज स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड। ठीक है, इसके बाद आती है बात स्पर्म की। स्पर्म के एक्रोसोम पे, ऑन एक्रोसोम देर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड बिंडिन। बिंडिन प्रेजेंट होता है कहां पे, एक्रोसोम पे। ये बिंडिन कैसे प्रेजेंट होता है देखिए जरा, ये आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम प्रोसेस, एक्रोसोम प्रोसेस का फॉर्मेशन होना। ये आप ग्रीन वाला पोर्शन देखिए, ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये है एक्रोसोम। ठीक है, और एक्रोसोम में देखिए अंदर की तरफ यहां पर बिंडिन प्रोटीन स्टोर्ड है, ये आप देख सकते हैं सर्कल शेप में जो है अंदर की तरफ ये बिंडिन प्रोटीन स्टोर होता है। अब क्या होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है उसी वक्त पे जो है एक्रोसोम का मेम्ब्रेन और सेल का मेम्ब्रेन दोनों फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करने की वजह से क्या होता है, फ्यूज करने की वजह से यहां पर होने लगता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस होने की वजह से एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज होने लगते हैं। एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज होते हैं तो ये क्या करते हैं, एग के पास पहुंचने पर ये काम करते हैं, तो जो भी एग का मेम्ब्रेन होता है ना उसे ये डिजोल्व करने लगते हैं क्योंकि इनका नेचर होता है प्रोटियोलिटिक। ठीक है, यानी क्लीवेज करेंगे ये। दूसरी तरफ क्या होता है, अंदर की तरफ देख सकते हैं आप, ये जो बिंडिन प्रोटीन था ये एक यहाँ पे प्रोसेस बनता है, इसी प्रोसेस पे आप देख सकते हैं चारों तरफ से बिंडिन प्रोटीन किस तरीके से जो है इन्होंने कवर करके रखा है। ठीक है, तो बिंडिन प्रोटीन जो है एक्रोसोमल प्रोसेस पे प्रेजेंट होता है इस तरीके से। अब ये जो बिंडिन प्रोटीन है, मान लीजिए अगर ये एग के पास इस तरीके से पहुंचता है, ठीक है, और ये अगर एग का व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है तो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन पे इस तरीके से जो है रिसेप्टर प्रेजेंट रहेगा, और वो रिसेप्टर क्या करेगा, इस बिंडिन प्रोटीन को रिसीव कर लेगा जो कि आप इस तरीके से देख सकते हैं, एंड तब जाकर जो है ये फर्टिलाइजेशन का इवेंट शुरू हो जाएगा, मतलब फ्यूजन वगैरह जो है यहाँ से इनिशिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है बिंडिन प्रोटीन एक्रोसोम पे प्रेजेंट रहता है मेनली। पहले तो एक्रोसोम के अंदर रहता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद ये एक्रोसोमल प्रोसेस पे जाता है। ठीक है, तो एक्रोसोम पे जो है बिंडिन रहता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन टाइप के बारे में, फर्टिलाइजेशन टाइप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन टाइप इसका क्या होता है, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फाइन, इसीलिए जो है आपको यहाँ पे जो हमने रीसेट प्रोटीन के बारे में बात किया है, ये रीसेट प्रोटीन क्या करता है, इसके मेजर मेजर दो तीन फंक्शन है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ रीसेट प्रोटीन के बारे में, रीसेट प्रोटीन ये क्या करता है, ये स्पर्म को एक्टिवेट भी करता है, स्पर्म एक्टिवेशन एंड स्पर्म को अट्रैक्ट भी करता है, स्पर्म टूवर्ड्स एग। यानी सेकेंड केस में ये कैसा रोल प्ले कर रहा है, डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाला, डायरेक्शनल क्यूज दे रहा है। तो रीसेट प्रोटीन, क्योंकि देखिए जब इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है किसमें, ओशन के अंदर, राइट, तो ओशन में तो बहुत से क्रिएचर के वहां पे एग्स वगैरह रहेंगे, स्पर्म रहेंगे, तो ये फर्टिलाइजेशन कैसे हो पाया, तो रीसेट प्रोटीन की मदद से जो है स्पीसीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन इनिशिएट किया जाता है, इनिशिएशन। क्योंकि जिस इंडिविजुअल का, जिस फीमेल का रीसेट प्रोटीन है वो उसी सेम स्पीसीज कैटेगरी के मेल के स्पर्म को अट्रैक्ट करेगा,
और ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि जो स्पर्म होता है, स्पर्म के पास, स्पर्म हैव आरजीसी रिसेप्टर, रिसेप्टर फॉर रीसेट, रीसेट प्रोटीन के लिए स्पर्म के पास जो है आरजीसी दैट इज रिसेप्टर गुआनाइल साइक्लेज प्रेजेंट होता है. रीसेट प्रोटीन उससे जाके बाइंड करता है, उसके बाइंडिंग की वजह से क्या होता है, स्पर्म के अंदर साइक्लिक जीएमपी का प्रोडक्शन होता है. साइक्लिक जीएमपी के प्रोडक्शन के कारण क्या होता है, साइक्लिक जीएमपी के प्रोडक्शन के कारण क्या होता है, सेल के अंदर बहुत सारा कैल्शियम जो है इनफ्लक्स किया जाता है, और उस कैल्शियम इनफ्लक्स के कारण क्या होता है, स्पर्म जो है और जल्दी जल्दी ट्रैवल जो है स्विम करने लगता है, जिसकी वजह से वो फाइनली अट्रैक्ट होकर एग के पास पहुंचता है. तो ये कुछ इवेंट है जो कि रीसेट प्रोटीन करवाता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अगर रीसेट प्रोटीन ना रहे तो इनिशियल जो अट्रैक्शन हो रहा है वही नहीं होगा, स्पर्म को पता नहीं चलेगा कि उसको मूव कहाँ पे करना है. ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी. तो अगर मैं इसका एक आउटलाइन लेना चाहूं, ठीक है, तो आउटलाइन आप देख सकते हैं, टोटल 5 बेसिक प्रोसेस है सी आर्चिंग के फर्टिलाइजेशन है. पहला क्या होता है, पहला होता है कीमो अट्रैक्शन, जहां पे रीसेट प्रोटीन काम करता है. कीमो अट्रैक्शन यानी कीमो अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म टू द एग बाय द सॉल्युबल मॉलिक्यूल सीक्रेटेड बाय द एग. सबसे पहले जो है कीमो अट्रैक्शन हुआ, कीमो अट्रैक्शन के बाद क्या होगा, स्पर्म की बाइंडिंग होगी ईसीएम यानी जेली से. वो जेली जो है यहाँ पर एक तरीके से एग जेली हो सकती है, जो कि जहां से रीसेट रिलीज हो रहा था. ठीक है, तो वहां पे जाके जो है जेली से ये इंट्रैक्ट करेगा यानी बाइंड करेगा, बाइंडिंग हो जाएगा. उसके बाद जैसे ही ये जेली वाले एरिया में आएगा, वहीं पे आके जो है ये अपना एक्रोसोम का एक्सोसाइटोसिस करने लगेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर के जो सारे एंजाइम है वो रिलीज होंगे. और अगर वो रिलीज होंगे तो आप देख सकते हैं ये है व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, इस व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन को डिसॉल्व किया जाएगा, वहां से रास्ता बनाया जाएगा, मतलब कि अब बनेगा क्या, पैसेज ऑफ द स्पर्म थ्रू द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स टू द एग सेल मेम्ब्रेन. और यहाँ से जो है पैसेज बनेगा, एग जेली को भी क्रॉस किया जाएगा और साथ ही साथ जो है व्हाइट लाइन एनवलप को भी क्रॉस किया जाएगा. ठीक है, और व्हाइट लाइन एनवलप को क्रॉस करने के बाद फाइनली जो है स्पर्म का सेल मेम्ब्रेन का फ्यूजन एग के सेल मेम्ब्रेन से होगा एंड फाइनली फर्टिलाइजेशन इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा. तो ये है सारा का सारा प्रोसेस कि किस तरीके से जो है सारा काम यहाँ पे चल रहा है. ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, अब बात करते हैं पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन के बारे में. पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन, पहली बात तो ये क्यों चाहिए, पॉलीस्पर्मी है क्या. पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है एक से ज्यादा स्पर्म का एक एग से अटैच हो जाना. ठीक है, यानी उसको फ्यूज कर देना. अब सीधी सी बात है, पॉलीस्पर्मी इज नॉट अ गुड कंडीशन, इट इज अ लेथल कंडीशन. क्योंकि जब यहाँ पे क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे तो वो किस तरीके से बटेंगे, क्रोमोसोम डिवीजन के टाइम पे ही लेथल कंडीशन अराइज होना शुरू हो जाएगा. इसीलिए नॉर्मल केस क्या होता है, नॉर्मल केस में वन एग प्लस वन स्पर्म, दैट इज द नॉर्मल केस. लेकिन पॉलीस्पर्मी केस क्या होता है, पॉलीस्पर्मी केस में जो है एक एग प्लस मल्टीपल स्पर्म. एंड दिस कंडीशन विल बी लेथल, यानी हार्मफुल कंडीशन होगा. इसीलिए पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट की जाती है. अब देखिए इस केस में क्या होता है, दो टाइप से प्रिवेंशन होता है. पहला टाइप क्या होता है, फर्स्ट टाइप दैट इज फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है, ये जो है 2 से 3 सेकेंड्स के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट्स इन 2 to 3 seconds after
फर्टिलाइजेशन यानी तुरंत स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसको हम एक और ब्लॉक भी बोलते हैं, एनी आइडिया इसको एक और ब्लॉक किस नाम से जाना जाता है? हाँ जी बताइए। इसको हम ट्रांजिएंट ब्लॉक भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ी सी देर के लिए होता है। इसमें होता क्या है, इसमें एक्चुअल में मेम्ब्रेन पोटेंशियल की शिफ्टिंग होती है, दैट इज शिफ्ट इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वो शिफ्ट कितने से कितना होता है, किसी को आइडिया है कितने से कितना होता है? दैट इज -70 मिली वोल्ट से ये शिफ्ट कहाँ होता है, +20 मिली वोल्ट पे, राइट? पता है तो सबको या नहीं पता है? और -70 मिली वोल्ट से 20 मिली वोल्ट पे जो है शिफ्ट होना, ये क्या कहलाता है? ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल +20 मिली वोल्ट का अचीव किया गया है, इसे हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइज हो गया है मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन जब डीपोलराइज हो जाता है तो और कोई स्पर्म उससे आके बाइंड नहीं कर सकता है। फर्टिलाइजेशन के लिए -70 मिली वोल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल होना जरूरी है। अगर वो +20 मिली वोल्ट पे शिफ्ट हो गया है तो अब उससे कोई स्पर्म आके बाइंड नहीं कर सकता है। बट दिक्कत क्या है कि इसका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है, 20 से 30 सेकंड्स के अंदर ये अपना इफेक्ट खत्म करने लगता है, मतलब कि अपना इफेक्ट शो करना धीरे धीरे कम कर देता है, ठीक है। इसलिए इसको ट्रांजिएंट यानी एक लोकल ब्लॉक होता है, क्योंकि कुछ तुरंत यहाँ पे चाहिए होता है इसीलिए इसको तुरंत शुरू कर दिया जाता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू, हाँ जी, ये शिफ्टिंग क्यों होती है, रीजन ड्यू टू सोडियम आयन इनफ्लक्स। क्योंकि जब स्पर्म की एंट्री हो रही होती है ना, उसी टाइम पे सोडियम आयन्स भी क्या करते हैं, एंट्री ले लेते हैं एग के अंदर, जिसकी वजह से जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल माइनस से पॉजिटिव में चेंज होने लगता है। और जब तक पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहेगा तब तक कोई और स्पर्म आके बाइंड नहीं कर सकता है, और +20 मिलीवोल्ट पे देर विल बी नो फर्टिलाइजेशन एट ऑल। तो ये कब होता है, जब एक स्पर्म ऑलरेडी एग के अंदर एंट्री ले चुका है, अब हम चाहते हैं कि और कोई स्पर्म आके एंट्री ना ले, तब ये केस होता है। लेकिन क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है परसिस्टेंस का वो बहुत कम है, 20 से 30 सेकंड्स के अंदर अंदर ही अपना इफेक्ट जो है धीरे धीरे कम करने लगता है, इसलिए अब जरूरी होता है एक और ब्लॉक का, ठीक है। वो ब्लॉक क्या होता है, वो ब्लॉक होता है स्लो ब्लॉक। ठीक है, स्लो ब्लॉक क्या करता है, स्लो ब्लॉक जो है एक तरीके से लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसे हम कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल को एक्टिवेट किया जाता है, प्लस इसको फ्यूज किया जाता है, फ्यूज विथ एग मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या करता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जो है ये रिलीज करता है कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो है फर्टिलाइजेशन एनवलप हार्ड बन जाता है। ठीक है, रिसेप्टर रिमूव होने लगते हैं, रिसेप्टर्स गेट रिमूव्ड, और हेंस ये सब साइड साइड चेंजेस होने के बाद अब जो है और कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो चीजें फर्टिलाइजेशन करवा रही थी वो सब चीजें हटा दी गई हैं। एंड फाइनली क्या होता है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने का जो यहाँ पे स्लो ब्लॉक चला था वो सक्सेसफुल हो जाता है, और अब कोई और स्पर्म आके यहाँ पर बाइंड नहीं कर सकता है। तो स्लो ब्लॉक क्या करता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल
मीडिएटेड होता है, प्लस यहाँ पे कैल्शियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैल्शियम रिलीज यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है और वही कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन करवाने में मदद करता है। तो ये थी कहानी आपके पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन की, फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक का पूरा आउटलाइन। ओके सुप्रीतिम, दैट इज नॉट द इश्यू, यहाँ पे आउटलाइन बताई जा रही है, आप आउटलाइन पढ़िए, जब सी एस आई आर पढ़ाया जाएगा तो वहां पे मैं इसको बहुत डिटेल में जीरो से पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो वहां पे आपको चीजें और बेटर ढंग से समझ में आएंगी। चलो, उम्मीद करती हूँ ये चीजें सबको समझ में आ गई होगी। ओके, अब बात करते हैं इसके क्लीवेज की, ठीक है। सी आर्चिन में क्लीवेज जो होता है, एक्चुअल में सी आर्चिन का जो एग होता है उसमें भी दो पार्ट होता है। सी आर्चिन का जब एग होता है ना तो उसमें क्या होता है, इसको हम वेजिटल पोल कहते हैं, इसको हम एनिमल पोल कहते हैं, ठीक है। ये दो हेमिस्फीयर होते हैं, वेजिटल हेमिस्फीयर, एनिमल हेमिस्फीयर, जो कि आगे चल के आपको दिखाऊंगी मैं कुछ इस तरीके से। एनीवेज चलो, तो होता क्या है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो सी आर्चिन का जो यहाँ पे जाइगोट रेडी होता है उसमें क्लीवेज भी देखा जाता है। ये जो क्लीवेज होता है ये रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, क्लीवेज के पोर्शन में मैंने इसको पढ़ाया था आपको। सी आर्चिन को जो है ड्यूटीरोस्टोम कहा जाता है। ड्यूटीरोस्टोम कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ड्यूटीरोस्टोम वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो सबसे पहली जो ओपनिंग होती है, सबसे पहली ओपनिंग यानी गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। तो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में जो सबसे पहले ओपनिंग होती है वो ओपनिंग आगे चल के एनस में चेंज होती है, और एनस बनने के बाद जो है उसके बाद माउथ बनता है। तो इसमें जो पहली ओपनिंग होती है, ड्यूटीरोस्टोम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें उनके डेवलपमेंट टाइम में जो पहली ओपनिंग होती है वो एनस बनती है, और एनस के बाद आगे चल के जो है माउथ बनता है। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले एनस बन रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ड्यूटीरोस्टोम कहते हैं। उसी के दूसरी तरफ आते हैं प्रोटोस्टोम। प्रोटोस्टोम ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें उनकी पहली ओपनिंग जो है वो माउथ बनती है, और उसके बाद जाकर जो है उनमें एनस बनता है। तो सी आर्चिन जो है ये एक ड्यूटीरोस्टोम का केस है। गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे जो सबसे पहला स्ट्रक्चर ओपनिंग के थ्रू जो बनता है ड्यूटीरोस्टोम में वो क्या होता है, वो होता है एनस, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ड्यूटीरोस्टोम का नाम देते हैं। अब जब हम क्लीवेज की बात करते हैं ना तो क्लीवेज जो है इनका अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। क्लीवेज के डिटेल को हम बहुत ज्यादा मतलब बहुत डिटेल में नहीं देखने वाले हैं। तो मान लीजिए ये एक एग है जो कि फर्टिलाइज होके बना है, तो इसमें एक ऐसा क्लीवेज होता है जिसे हम मेरीडियोनल क्लीवेज कहते हैं, और एक क्लीवेज ऐसा होता है जिसे हम इक्विटोरियल क्लीवेज कहते हैं। ये हो गया इक्विटोरियल क्लीवेज, ये हो गया मेरीडियोनल क्लीवेज, ठीक है। ये सारा बहुत डिटेल में हम सी एस आर में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ना, यहाँ पे बस एक बेसिक चीजें बता दे रही मैं। इन सब ये जो डिवीजन होता है ना ये क्या होता है, शुरुआत में दो क्लीवेज मेरिडियोनल होते हैं, फिर इक्विटोरियल होते हैं, फिर उसके बाद फिर अनइवन क्लीवेज भी होता है, ठीक है। कभी कभी इन दोनों का मिक्सचर भी होता है। उसके रिजल्ट में हमारे पास जो है इस तरीके से, जो इनका ये था इसका एनिमल हेमिस्फीयर, ये था इसका वेजिटल हेमिस्फीयर। तो एनिमल हेमिस्फीयर कुछ ऐसे डिवाइड हो जाता है, वेजिटल हेमिस्फीयर कुछ ऐसे डिवाइड हो जाता है। आगे चल के जब यही एनिमल हेमिस्फीयर डिवाइड करते हैं ना तो ये एक सेल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मेसोमियर। ये मेसोमियर सेल जो है मेनली एनिमल हेमिस्फीयर से मिलके बने। और दूसरी तरफ हमारे पास और दो टाइप के सेल आते हैं जिसे हम बोलते हैं माइक्रोमियर एंड मैक्रोमियर, जो कि वेजिटल हेमिस्फीयर से डिवाइड होकर हमें मिलते हैं। यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है, ठीक है। इसलिए जो बड़े वाले सेल्स होते हैं दैट इज अ मैक्रोमियर, और अंदर की तरफ देख सकते हैं आप छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो होते हैं माइक्रोमियर। इस तरीके से डिवाइड करके जो है हमें ये जो सेल्स मिलते हैं इन सब सेल्स के फेट अलग अलग होते हैं। बॉडी का कोई पार्ट जो है वो स्केलेटन बना रहा होता है, कोई पार्ट बॉडी की स्किन बना रहा होता है, इस तरीके से सबका फेट अलग अलग होता है। जैसे कि हमने सी एलिगन में देखा था इतने सारे जो ब्लास्टोमियर्स बने थे, ए बी ए बी ए ए बी ए पी, ये सब जो बने थे उनका अपना अपना फेट था, ऐसे ही इन सारे सेल्स का अपना अपना फेट होता है। तो इन्हीं सेल्स को जो है जब एक ऐसे स्टेज पे एक्सपेरिमेंट किया गया
जब लगभग जो है ये सेल्स में बहुत ज्यादा डिवीजन वगैरह हो गया था और इनमें जो है फेट आराम से हम देख सकते थे। उसी टाइम पे क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, ठीक है। माइक्रोमीर आर ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम वेजिटल पोल ऑफ द 16 सेल एम्ब्रियो इन टू द एनिमल पोल ऑफ होस्ट ऑफ अ 16 सेल एम्ब्रियो। अब क्या किया गया, देखिए ये जो सेल है ये है पोर्शन है क्या एनिमल हेमिस्फेयर का, ठीक है। और एनिमल हेमिस्फेयर में क्या था, मेसोमियर था, नीचे है मैक्रोमियर और सबसे नीचे है माइक्रोमियर। क्या किया गया, माइक्रोमियर को ट्रांसप्लांट करके एनिमल हेमिस्फेयर में भी डाल दिया गया, जबकि माइक्रोमियर का कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, माइक्रोमियर प्रेजेंट रहता है वेजिटल हेमिस्फेयर में। हमने उसको लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटली क्या किया कि उसको हमने एनिमल हेमिस्फेयर वाले एरिया में भी ट्रांसप्लांट कर दिया। अब जो हमें रिजल्ट देखने को मिला वो क्या था कि एक्चुअल में इस एरिया से भी एक सी आर्चिन बनने लगा और इस एरिया से भी एक सी आर्चिन बनने लगा। यानी कहा जाए तो यहां पे सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन होने लगा। द ट्रांसप्लांटेड माइक्रोमियर इन्वेजिनेट इन टू द ब्लास्टोसील टू क्रिएट अ न्यू सेट ऑफ स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइमल सेल एंड दे इंड्यूस द एनिमल पोल सेल नेक्स्ट टू देम टू बिकम द वेजिटल प्लेट एंडोडर्मल सेल। यानी इधर से भी एक तरीके से नया ऑर्गेनिज्म बनने की तैयारी होने लगी और इधर से भी। और जब एक ही बॉडी एक्सेस में दो ऑर्गेनिज्म बनने लगते हैं तो उसे हम डेवलपमेंटल टर्म में सेकेंडरी एक्सेस कहते हैं। यानी हमारा जो अभी हमारा बॉडी है दैट इज अ प्राइमरी एक्सेस, एक बॉडी में एक ही सारा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें क्या होगा एक बॉडी एक्सेस पे दूसरी बॉडी एक्सेस भी बनने लगेगी, इसे हम सेकेंडरी एक्सेस का नाम देते हैं। और इस तरीके से अगर आप माइक्रोमियर जो कि वेजिटल साइड में है 16 सेल स्टेज में, अगर माइक्रोमियर को आप ट्रांसप्लांट कर देते हो एनिमल पोल साइड में तो आपको जो है दो एक्सेस देखने को मिल सकता है सी आर्चिन के केस में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये एक्सपेरिमेंट जो है क्लियर हो गया होगा। ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट है, यहां तो हम थोड़ा कम डील कर रहे हैं और भी करेंगे। ओके नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, फाइन, ये आप देख सकते हैं ये लगभग जो है 64 सेल स्टेज है, लगभग समझ लीजिए आप 64 सेल स्टेज है ये। इसमें आप देख सकते हैं डिटेल में अगर आप देखना चाहेंगे ना, ये देखिए जो हमारे पास मेसोमियर आया था वो और भी आगे फर्दर डिवाइड करता है, जिसमें हम बोलते हैं एनिमल हेमिस्फेयर वन एनिमल हेमिस्फेयर टू, यानी AN1 AN2 करके, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैक्रोमियर भी फर्दर डिवाइड होता है वेज वन एंड वेज टू टायर में, माइक्रोमियर नीचे की तरफ रहते हैं, ठीक है। तो क्या किया गया एक्चुअल में, देखिए ये 64 सेल स्टेज, इसमें क्या किया गया, इस एनिमल हेमिस्फेयर को सबसे पहले आप ये वाला पोर्शन जो है ये है एनिमल हेमिस्फेयर का, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करने दिया गया, यहाँ पे 60 सेल लिखा हुआ है, आप 60 to 64 सेल स्टेज आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब चीज का नॉर्मल फेट दिख रहा है। आगे चल के जब इसको नॉर्मल ग्रो करने दिया गया तो देखिए नॉर्मल प्लूटस लार्वा बना, एकदम नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अब हमने सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या किया, हमने एनिमल हेमिस्फेयर को अकेला कर दिया, वहां से सारे वेजिटल हेमिस्फेयर के सेल हटा दिए। और अब जब हम उसका फर्दर रिजल्ट देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कंप्लीट एनिमलाइजेशन मिल रहा है। यानी ऐसे केस में जो है ये जो एनिमल हेमिस्फेयर है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बना सका, और ये जो सेल है ये हम कहते हैं दैट इज ये एक्टोडर्मल सेल बन गया, कंप्लीट, ये कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं है, ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट है। लेकिन सेम यही काम किया, इसी एनिमल हेमिस्फेयर को जो हमने अलग किया था इसको लिया, लेकिन इसके साथ हमने क्या कर दिया, इसके साथ हमने माइक्रोमियर्स यहां पे रख दिए, दिस इज अ माइक्रोमियर्स। जब इन माइक्रोमियर को रखा तब देखा तो हमें जो है रिकॉग्नाइजेबल लार्वा देखने को मिलने लगा, यानी एक प्रॉपर ढंग से जो है हमको ऐसा लार्वा देखने को मिलने लगा जो कि मोर और लेस टूवर्ड्स द नॉर्मल था। सो व्हेन अ आइसोलेटेड एनिमल हेमिस्फेयर इज कंबाइंड विद द आइसोलेटेड माइक्रोमियर अ रिकॉग्नाइजेबल प्लूटस लार्वा इज फॉर्म विद ऑल द एंडोडर्म डिराइव्ड फ्रॉम द एनिमल हेमिस्फेयर। इसके सारे के सारे जो एंडोडर्मल नेचर थे वो सारे एनिमल हेमिस्फेयर से इसने डिराइव करके रखा था। मतलब कि माइक्रोमियर जो है यहाँ के सेल को कुछ सिग्नल दिया उसने, और उस सिग्नल की वजह से यहाँ के सेल थोड़े कंडीशनली स्पेसिफाई हुए और तब जाके उन्होंने कंप्लीट डेवलपमेंट किया और लॉस का कंपनसेशन कर दिया, ठीक है। तो ये एक और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट था
जो कि बता रहा है कि एनिमल सेल को अलग करो तब क्या होगा, और एनिमल सेल को अलग करके उसके साथ माइक्रोमीटर प्लेस कर दो तब क्या होगा. क्लियर?